दोस्तों ये देखो आप, ये पूरा भयंकर रूप ले रखा इसने। लाइक करो, शेयर करो। हेलो दोस्तों, पहला आपका नाम जय उत्तराखंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो दोस्तों, पिछले 18 घंटे से हमारे गांव में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण जो हमारी नदी है वो बहुत भयंकर विकराल रूप ले चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको कितना खतरनाक रूप ले रखा है नदी ने। और आपको पता ही है कि सावन का महीना चल रहा है, इसे हम आफत का महीना भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी महीने में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मरते भी हैं, बहुत सारों की खेती सब डूब जाती है, बह जाती है नदी में। तो अब आपको दिखाते हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो आगे दिखाते हैं आपको माहौल, क्योंकि रात को ये बहुत ज़्यादा आया इसके कारण मैं सो नहीं पाया रात को। और ये देखिए आप, आज रात में बिल्कुल नहीं सो पाया क्योंकि हमारे मकान के जस्ट ऊपर पे गधेरा है और मुझे वही डर रहा कहीं वो फट ना जाए। आजकल गांव में डरने वाला माहौल बन रखा है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पहाड़ों में। ये देखिए, ये हमारा मेन रास्ता है, यहाँ से इतना भयंकर ऊपर से पानी आता है, ये सारा खेतों में जा रहा है। और ये देखिए आप, रास्ता किस प्रकार से हो रखा है, फिसल रहे हैं, मिट्टी एकदम कच्ची पकड़ हो चुकी है मिट्टी की। और अब आपको दिखाते हैं कि हमारे जो नदी का जो रौद्र रूप है कितना भयंकर है, बहुत डरावने वाला माहौल होता है। हर साल ये नदी इसी प्रकार से आती है और न जाने कितना नुकसान करके आती है, अब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे गांव का धारा और घाट, धारे के नीचे ये देखिए कितना विराट रूप ले रखा है नदी ने। अभी नीचे जाने में डर लग रहा है क्योंकि नदी ने बहुत ही खतरनाक रूप ले रखा है और आप पत्थर की आवाज़ सुन सकते हैं, कितना खतरनाक रूप है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा, आप लोग यहीं से देखिए। ये देखिए हाँ, और इसी मौसम में खतरा होता है। और यहाँ देखिए आप, आपको और पानी भी भयंकर आ रखा है, ये पानी न जाने कहाँ कहाँ से फूटता है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये आप नदी का रूप देख ही सकते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे देखिए नदी का कितना विराट रूप है, इस रूप को देख के डर लग रहा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रूप है। और अब आपको नहर के ऊपर से दिखाता हूँ इसका रूप। मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं। और अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं नहर के ऊपर चल रहा हूँ और नहर के ऊपर फिसलन भी काफ़ी है, इस वजह से हल्का सा पाँव फिसला तो सीधे नदी में। और इसके नीचे नदी है जो कि उसको काट रही है। तो अब आपको आगे दिखाता हूँ। घर वालों ने तो मना किया था पर मैं चुपके से आ गया हूँ वीडियो बनाने। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नदी का रूप। ये देखिए यहाँ काट रहा है इसको नीचे से। और ये जबकि बहुत बड़ा पत्थर था, ये भी इसमें समा रखा है। और वो देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर जिनको हम सोचते थे कभी नहीं डूबेंगे और वो सारे नदी में आज डूब रखे हैं। तो ये श्रावण का जो महीना होता है ये आफत का महीना माना जाता है, खास करके पहाड़ों के लिए। और ये देखिए सारी जगह एकदम, और आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। और ये पत्थर देखो पूरी तरह से डूब रखा है। तो आप देखिए कितना खतरनाक रूप है और डर भी लग रहा है, रिस्क तो बहुत है। ये देखिए आप, यहाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। पहाड़ों से आप लोग ऐसी वीडियो आती रहेगी। और ये देखिए आप, वहाँ से इतना खतरनाक रूप, जबकि इतनी चौड़ी होने के बाद भी इतना खतरनाक रूप ले रखा है। जहाँ से नदी पतली होगी वहाँ इसने क्या हाल कर दिया होगा। और ये देखिए सारा, और ये देखिए आप खतरनाक विकराल रूप में आ रखी है आज नदी। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खतरा होता है सावन के महीने में। और ये देखिए आज धारे का पानी भी बहुत भयंकर आ रहा है,
क्योंकि लगभग पिछले 18 से 20 घंटे से इतनी लगातार बारिश हो रही है कि मैं भी रात भर सो नहीं पाया। और ये देखिए आप, भयंकर विकराल रूप ले रखा है नदी ने। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। नदी से आज डर लग रहा है, तो वो तो जब एक बार यहाँ खतरनाक बाढ़ आई थी 2-4 साल पहले, तो ये दीवारें नहीं लगी थी, यहाँ जेसीबी आई थी तब जाके ये, आज ये दीवार नहीं होती तो आज सबके खेत बह चुके होते। तो ये एक अच्छा कार्य हुआ जिसकी वजह से आज खेत बच रखे हैं, इसी दीवार की वजह से बच रखे हैं। बाकी इसके नीचे जाने में तो डर लग रहा है, तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वहाँ तक भी जाता हूँ। वैसे तो रिक्स है, पर एक बार चले जाता हूँ मैं। दोस्तों ये देखो आप, ये पूरा भयंकर रूप ले रखा है इसने। ये देखिए यहाँ इतना खतरनाक रूप, इसको देख के डर लग रहा है, बहुत खतरनाक माहौल है। और ये भी बह सकता है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल ये भी बह सकता है। मैंने बताया ये पानी जो यहाँ कट रहा था, ये चट्टान बचा रही इसको। और ये है विराट रूप। और आप लोग देखिए कितना खतरनाक रूप ले रखा है आज नदी ने, बहुत ज़्यादा डरावना हो रखा है आज, एकदम डरावने रूप में है आज नदी। आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे कितने भयंकर भयंकर पत्थर आ रहे हैं, वो सारा एरिया डूब रखा है जो कि बहुत ऊंचाई पे था। ये पत्थर भी डूब रखा है, बहुत बड़ा पत्थर था ये, देखिए ये भी बहुत बड़ा पत्थर था, ये भी डूब रखा है आज। और ये पानी देखिए आप कितना भयंकर आ रखा है। ये देखिए आप, जबकि ये जगह इतनी चौड़ी है कि हम यहाँ कभी सोच नहीं सकते कि ये पूरा पानी से घिर जाएगा। और ये देखिए वहाँ से वो गदेरा जो है सिरी गांव से भी भयंकर रूप में आ रखा है, और वो सारी जगह एकदम डूब रखी है, इतना खतरनाक रूप हो रखा है नदी का, बहुत ही खतरनाक विकराल रूप में नदी आज। ये देखिए यहाँ